मैं मनी जैसे आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो ओनली गंगा जमुना पे है। गंगा जमुना की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है कि सबसे ज़्यादा डिमांड अगर पटाखों में देखा जाए तो गंगा जमुना सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। मुझे भी कई जनों का कमेंट आया कि भाई जो आप क्लॉज बना रहे पटाखों का, जो मैंने पैकेट बना के दिखाया है कि जो 2000 रुपये में आपको मिल रहा है, उसमें भी काफ़ी जनों ने कमेंट किया कि भाई गंगा जमुना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पटाखे चेंज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। भाई एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने क्लॉज बनाया 2000 रुपये वाला, वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, उसमें कोई भी पटाखा है ही नहीं, उसमें सिर्फ अनार फुलझड़ी ऐसे छोटे मोटे पटाखे जो फटते नहीं है। तो ये है बड़े पटाखों, मतलब कि जो बड़े बंदे बच्चे जो चलाते हैं, ठीक है। तो वो अभी क्लास बनाया नहीं, वो 5000 का बनेगा, उसमें कई कुछ ऐड होगा। तो अगर आपने ऑर्डर देना दे सकते हो। एक चीज़ और बता दूँ, लोकल देना 200 किलोमीटर के अंदर अंदर, जैसे दिल्ली पंजाब इन दोनों के पास पास दो, चंडीगढ़ तक आप ऑर्डर दे सकते हो, इससे ज़्यादा दूर नहीं। तो फ्रेंड्स चलो आपको पटाखे दिखाता हूँ, साथ के साथ इनके रेट बताता हूँ। ओनली गंगा जमुना, पबजी की डिमांड आई थी कि कमेंट किया था कि भाई पबजी के ऊपर भी आप वीडियो बना दो, पबजी वाला कौन सा पटाखा है, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता दूँ, इनकी टेस्टिंग भी करूँगा पर रात को, सारे चला के दिखाऊंगा कौन सा कैसा चलता है, कैसा परफॉर्मेंस था, किसका क्या प्राइस है। चलो स्टार्ट करें, ये सारे पटाखों के मैं करने वाला हूँ टेस्टिंग विद, आपको रेट बताने वाला हूँ। ये सारे गंगा जमुना, ये चेक कर सकते हो यहाँ से लेके, गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना, ओनली इनका सेम काम है, मतलब काम थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, रेट भी थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पबजी, ये पबजी स्काई शॉट है जो कि नीचे से ऊपर जाके एक बड़ा फटता है। तो ये आपको सिंगल पीस जो मिलेगा वो 50 रुपये का मिलेगा, होलसेल रेट है, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा बल्क में लेते हो तो 5 रुपये और कम हो सकता है, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप बाहर से मार्केट से लेते हो तो ये आपको 80, 90, 100, 60, 70 ऐसे अलग अलग रेटों में ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गंगा जमुना, ये मयूर का गंगा जमुना है, ये ऐसे वाले अक्टूबर का रेट इसका 60 रुपये का है, आगे जाके ये और भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे दिवाली पास में आएगी, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये और भी बढ़ जाएगा। ये भी आपको मिल जाएगा, ये अलग ब्रांड आ जाता है, ये ब्रांड चेक सकते हो, मयूर सबसे ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो कि बिकने वाला रेंड है, ब्रांड है, मतलब कि मोस्टली सारे बिकते हैं, पर जो म्यूर है उसका अलग साउंड होता है, इसका अलग साउंड, मतलब कि सबका अलग अलग रहता है। तो ये आपको मिलेगा एस विले प्रेजेंट टाइम 60 रुपये का होलसेल रेट, ठीक है। और ये आपको मिलेगा आपको 50 रुपये का होलसेल रेट, और ये आपको मिलेगा आपका ना 4500 रुपये का होलसेल रेट, और सॉरी ये आपको हाँ 45 रुपये का ये होलसेल रेट है, इसका भी आपको सेम रेट मिलेगा, ये आपको 40 रुपये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे अलग अलग ब्रांड के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर गायें बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ अलग सी पंखी सी बनी हुई है, और इसके ऊपर ये पटाखा लिखा हुआ है, इस ब्रांड का नाम बहुत तगड़ा लंबा सा दे रखा है, इस पर मिसाइल बनी हुई है, और इस पर एक मोर बना हुआ है, इसका नाम भी मयूर है, इसका नाम योगी जो भी है। तो फ्रेंड्स चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने कल गेमिंग टेस्ट किया था पबजी के, सॉरी पबजी का कह रहा हूँ, जो मैंने पटाखों का टेस्ट किया था न्यू पटाखों का, जिसमें कि ये 5G गोल्ड रह गया था, वो मैं आपको आज दिखा दूंगा। तो उससे ही पहले मैं बता दूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो फुलझड़ी चलाते हैं, ये फुलझड़ी आपको बाहर जो मिलती है इसका रेट रहता है 50 रुपये, ठीक है। पर यहाँ पे ये आपको 20 रुपये की मिलेगी, अगर आप ये पूरा कट्टा लेते हो जिसमें 250 पीस है तो ये आपको 15 रुपये का ये पीस पड़ने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप डिमांड करोगे, अगर आपने होलसेल में लेना है तो अक्टूबर के महीने का रेट मैंने आपको बताया है, अगले महीने इसका रेट और बढ़ जाएगा, मतलब कि ये फुलझड़ी 25 रुपये की हो जाएगी, और इनका थोड़ा बहुत रेट 5 रुपये 2 रुपये या फिर 10 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे नहीं होगा, मतलब कि मोस्टली ऊपर ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की डेट आप देख लो कि आज की डेट है जो 15 तारीख है, 15/9/2020, मतलब कि 9 महीना जो कि अपना चल रहा है। उसके बाद ये सारे पटाखे हम टेस्ट करेंगे और आपको दिखा देंगे। एक चीज़ बता दूँ, इन सभी में मैं एक एक पटाखा ही चला के दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाऊंगा। तो जो आपको बॉक्स का ओवरऑल ये मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, इसका रेट बता दिया है 60 रुपये 50 रुपये 45 रुपये 45 रुपये 50 रुपये, और ये सॉरी 40 रुपये, ये आपको ये दोनों सेम रेट है, 45 45, ये 50 रुपये है, और ये आपको 50 रुपये का मिलेगा, और ये ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, इसके रेट ऊपर नीचे चलता रहता है, पर ये होलसेल रेट है, सारे मैंने आपको बताया। जो पबजी है ये आपको जो मार्केट रेट मिलेगा, ये आपको आई थिंक मिलेगा 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये, मतलब कि 100 रुपये से ऊपर जाने वाला नहीं है, जो 100 से ऊपर दे रहा है तो समझ लो वो आपका बहुत ज़्यादा काट रहा है, ठीक है। तो अगर आपने लेना है, होलसेल करना है, इनमें से कुछ भी आपने परचेज करना है तो कर सकते हो, मेरे से परचेज करना है व्हाट्सअप ग्रुप पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी आईडी भी, गोदाम का लोकेशन लिंक और आपको गोदाम के फ़ोन नंबर भी नीचे मिल जाएंगे। तो चलो ओवरऑल मैंने सभी पटाखों का रेट बता दिए, ये टेस्ट सारे के सारे मैं रात को करने वाला हूँ, आपको
सारे पटाखे चला के दिखाऊंगा वन बाय वन, इसका साउंड कैसा है, इसका साउंड कैसा है, इसका साउंड कैसा है, इसका कैसा है, किस में रिस्क है किस में नहीं है, तो क्या कौन कौन से पटाखे लगा रहे हैं, पबजी से लेके जो आपके आगे पड़े हैं सारे आपको दिखाऊंगा। तो ये एक फुल जड़ी, ये 3 फिट की है, 3 फिट की, 3 मीटर की जो भी है, 3 फिट की ये फुल जड़ी है, जो कि आपको अगर आप कट्टा लेते हो तो आपको 15 रुपये की पड़ेगी, अदरवाइज लूज लेते हो तो ये आपको 20 रुपये की मिलेगी, अगर आप मेरे से लोगे तो मतलब कि 20 रुपये की मिलेगी, ठीक है। तो ये भी फुल जड़ी कैसे होती है कि जैसे कि मोस्टली मैं बता दूं, जो पीछे गंगा जमुना पड़े हुए हैं, जो थोड़े रिस्की पटाखे होते हैं, तो आपको एक बार ये फुल जड़ी चला ली तो मोस्टली अगर आपने पूरा पटाखा चलाना है, पूरी डब्बी चलानी है, तो ये इजीली काम करेगी, जो कि चलती काफ़ी है, 10-15 मिनट RM फायरवर्क्स वर्क्स। तो फ्रेंड्स तैयार है ये फुल जड़ी, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, वैसे खोल के दिखाऊंगा मैं चमकीला हो जाऊंगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। रात को जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो इसी के साथ करने वाला हूँ, और क्योंकि मुझे इसमें रिस्क लग रहा है, पटाखों में ना रिस्क लग रहा है, बल्कि जो प्रीमियम है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये देखो इसमें कई सस्ती भी आती है, उसमें क्या होता है ये मसाला कम लगा होता है, ये बात नोट रखना, कि कोई आपको कहेगा कि हाँ मैं इसको 20 रुपये वाली दे रहा हूँ, तो मसाला चेक कर सकते हो, इसमें A to Z मसाला लगा हुआ है, एक बार चल गई तो ये रुकेगी नहीं। कई फुल जड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि दिखने में ऐसी होती है और अंदर कुछ नहीं होता और चलती है, वो भी रुक रुक के, ये फायर वर्क वालों की गारंटी है, अगर ये रुक गई तो आपको ये फुल जड़ी दोबारा फ्री मिल जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये रुकेगी नहीं, ये उनकी गारंटी है, मतलब कि छोटी है, जो भी इनके पास पटाखे हैं वो अच्छे हैं, अगर आप रेट कम कर रहे हो तो ओबियसली पटाखों का मतलब कि चाय में अगर 1 चम्मच चीनी कम डालोगे तो मीठा कम मिलेगा ना, तो ऐसे होता है, अगर आप सही पेमेंट खर्च रहे हो, 60 रुपये खर्च रहे हो तो आपको बढ़िया साउंड और बड़ा ज़्यादा देर तक अनार चलेगा, थोड़े कम खर्च रहे हो तो अनार की टाइमिंग और कम हो जाएगी, थोड़े और कम खर्चोगे तो अनार की टाइमिंग और कम हो जाएगी, थोड़े और कम खर्चोगे तो समझ गए ना, मतलब कि कब चला और कब फटा पता नहीं चलेगा, आपको दौड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, पर ये मैंने चलाए हुए, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं, मैंने मतलब कि मोस्टली मेरा भी फेवरेट ही है ये, बाकी किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए सॉरी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो चलो अब रात को आपको सीधा ये पटाखे चला के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आगे हो गई रात, तो अभी हम करने वाले हैं गंगा जमुना के जितने भी गंगा जमुना के ब्रांड, मतलब कि अलग अलग ब्रांड होते हैं, सबसे हाईएस्ट और सबसे बढ़िया वाला रहता है म्यूर, उसके बाद मसाइल वाला जिसके ऊपर मसाइल बनी होती है, मैं ऐसे बजाऊंगा जो सबसे बेस्ट है वो सबसे पहले, फिर उसके नीचे उससे नीचे उससे नीचे, जैसे कि इसके प्राइस भी मैंने बताए हुए हैं, 60 रुपये 50 रुपये, फिर आ जाता है अपना 45 रुपये 45 रुपये, फिर 40 रुपये, ठीक है, उसके बाद जो पबजी है वो लास्ट में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बार पटाखे दिखा देता हूँ, ये पटाखे हैं सारे मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ये है आपके म्यूर के, ये मसाइल वाले के, वैसे इसका कंपनी का नाम ये है जो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ, ये आप चेक कर सकते हो, हार्टिन पता नहीं क्या है, और ये रहा ये 60 रुपये 50 रुपये 45 45 50 40, और ये 5 शॉट जो मैं पहले रह गया था ये बॉक्स में होते हैं 2, तो ये मैं पिछले कल जो वीडियो आई है आपको मिली होगी, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, ये कल मैं मिस कर गया था तो इसलिए ये आज चला रहा हूँ। तो ये दिया की फुल जड़ी जो एक्साइटेड हो रही है बहुत ज़्यादा, और ये बड़ी फुल जड़ी भी इसलिए लेके आया हूँ कि ये इनका मुझे भरोसा नहीं, ये फट सकती है आग लगाते हुए, तो वो मैं इससे चलाऊँगा, बाकी ये तो मैं खैर छोटी फुल जड़ी से भी चला सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये गंगा जमुना मतलब कि ये मसाइल वाले ये है, ये वाले है, ये मसाइल वाले, मतलब कि अगर आप ये लेते हो या ये लेते हो सेम ही रहेंगे, पर ये थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है और फटता है, और ये पबजी। अब टेस्टिंग मेन किस किस की है, ये सारे गंगा जमुना है अलग अलग, अनार ये 5G को छोड़ के ये सारे अलग अलग मॉडल हैं, कितनी तरह के हैं ये मैं बता दूँ कि ये 4 तरह के हैं, सॉरी 5 तरह के हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, मैं 2-2 लेके आया हूँ, बाई चांस एक आधा ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज हो जाए। तो ये पबजी हम सबसे लास्ट में टेस्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्योंकि गंगा जमुना ये फेमस पटाखा है जो कि मोस्टली काफ़ी लोग बजाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गंगा जमुना पे बना दूं, और इसके बाद बुलेट बम पे फिर इनके अंदर क्या होता है वो भी दिखा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करें फिलहाल इनका टेस्टिंग। अभी पटाखे गंगा जमुना चलाने से पहले हम इस फुल जड़ी को चला लेंगे, जो कि 3 मीटर की है, 3 फुट की, मीटर की 3 मीटर की है, ठीक है, ये आप देख सकते हो 3 मीटर की, ये एक बार। तो फ्रेंड्स अभी इसको चलने में टाइम लगेगा, ये बड़ी फुल जड़ी है, एक बार चल पड़ी फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो बस एक बार चलने में टाइम लग गया इसको, एक बार चल जाएगी, उसके बाद ये चलती है, पर चल पड़ी, काटो चलाए, काटो आजा। तो फुल जड़ी चल पड़ी है, अब हम स्टार्ट करेंगे पटाखे चलाने। ये गंगा जमुना चला रहे हैं, ये है म्यूर का, ये देख सकते हो, ये वाला ये चिंटू भी वीडियो बना रहा है, इसके यहाँ से फिलहाल इसने फुल जड़ी पकड़ी हुई है। तो ये गंगा जमुना हम चलाएंगे यहाँ पे, ताकि किसी को रिस्क ना रहे, और ये एकदम सही है, काटो चलो तुम उधर जाओ बेटा। तो ये गंगा जमुना लगी लगी, तो फ्रेंड्स गंगा जंगल
पीछे आ जा चिंटू, पीछे आ जा और पीछे आ जा। तो ये है मयूर का गंगा जमुना, जहर वाला चला ना आपने देख लिया, ये मयूर का गंगा जमुना था जो कि काफ़ी बेस्ट चला। अभी हमने गंगा जमुना चलाया ये वाला मयूर का जो कि काफ़ी बेस्ट फटा है, ठीक है। चिंटू को पटाखों से दूर रख, हम चलाएंगे ये वाला, ठीक है। ये मिसाइल वाला है, अब हम ये वाला चलाएंगे जो कि अब ये दूसरी कंपनी का है मिसाइल वाला, जो कि ये कंपनी में बढ़िया रहती है। तो चलो अब इसको चलाएंगे ये वाला। तो फ्रेंड्स अब ये मिसाइल वाला पटाखा चला रहा हूँ, पहले आपने गंगा जमुना देख लिया, अब इसको आग लगा रहे हैं। और ये आग लगी कि नहीं लगी, इसको हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, क्या करें। तो इसको आग लग गई है, ये आप चख सकते हो, ये मिसाइल वाला है। अब ये कैसा रहता है, हवा चलने के बहुत ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो ये भी काफ़ी बढ़िया फटेगा। तो फ्रेंड्स इसका भी साउंड काफ़ी बेस्ट है, चेक कर लिया होगा आपको साउंड का, सुन ही गया होगा। फ्रेंड्स अभी आपने जो देखा है सबसे पहले मयूर का जो बहुत बढ़िया फटा है, उसके बाद ये मिसाइल वाला है जो कि ये भी काफ़ी बढ़िया फटा है और काफ़ी बढ़िया चला है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो कि है अपना कोई और ही कंपनी आ गई, ये आ गई 4500 रुपये की, उनकी 45 रुपये की डब्बी, ठीक है। ये भी 45 की, ये भी 45 की है। तो हम दो मैं इसलिए लेके आया था कि एक पता चलते हैं आपको कौन सा कैसे फटा है। तो चलो अब हम इसको फोड़ेंगे, हवा बहुत ज़्यादा तेज है उसके कारण क्या हो रहा है कि वो फीता भूल जाता है, तो मैं इसको छिल के ताजो फीते को डायरेक्ट आग लगे इसलिए। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग कैसी रहती है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हो। तो ये तो ना के बराबर ही है, मतलब कि इतना इसमें धमाका नहीं हुआ। फ्रेंड्स अभी मैंने ये वाला चलाया जो कि इतना अच्छा नहीं चला, मतलब कि सबसे बेस्ट ये दोनों है, दोनों में से आप कोई भी परचेज कर सकते हो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट ये, इसके साउंड अच्छा है, इसका साउंड भी ठीक है, पर ये मतलब कि ठीक ठीक ही है, 45 के हिसाब से ये फट रहा है। अब हम ये टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट, उसके बाद 5G। चलाने से पहले भी मैं इसको छील लेता हूँ ताजो मुझे इसका फीता क्लियर दिख जाए। तो ये हमने इसका फीता क्लियर कर लिया है ताजो हमें दिक्कत ना हो। तो चलो अब इसको चलाते हैं फ्रेंड्स। अब ये 45 रुपये वाला पटाखा जो पहले चलाया वो भी 45 वाला था, अब इसको आग लगा दी हमने, अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये चलता चलता एक तो गिर गया। तो ये कौन सा पटाखा था मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पटाखा था, ये कोई 45 रुपये का, ये भी 45 रुपये का है। सबसे पहले हमने चलाया ये वाला जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे गया, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये और ये, बल्कि अगर देखा जाए तो ये और ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये गंगा यमुना ठीक ठीक है, एवरेज है 45 के हिसाब से। अब ये आ गया 40 रुपये वाला, अब ये देखते हैं कैसे चलता है। तो चलो अब ये चला के दिखाते हैं। फ्रेंड्स फाइनली आ गया 40 रुपये वाला पटाखा, इसका थोड़ा खतरा ही लगता है पर आग लग जाए इसको जल्दी जल्दी, और इसका फित्ता भी अग्गे वाला छोटा है, हवा नहीं चल रही इसकी, आग बहुत मतलब कि हवा बहुत तेज चल रही है, आग लग चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ पीछे आराम से, तो अब देखते हैं इसका साउंड कैसा रहता है, चलता है या नहीं चलता। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये बुझ गया, हवा बहुत तेज चल रही है, ये बुझ गया। ये पटाखे ऐसे होते हैं धोखेबाज से, जब पास में जाएंगे फटेंगे, तो ऐसा सीन नहीं, ये बुझ गया, चल पड़ा वो, चल पड़ा। ये देखो इसका ये वैसे साउंड इसका अच्छा था, पर ये धोखेबाज पटाखा था। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने ये सारे जमुना गंगा बजा के दिखा दिए हैं, धोखेबाज पटाखा है ये, मतलब कि देखा आपने इसको आग लगी हुई थी, फिर चला, फिर बुझा, फिर चला, मतलब कि देखो भाई अगर आपने अपने हाथ के साथ फेस के साथ रिस्क लेना है तो आप 40 रुपये खर्च लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, 60 रुपये खर्चो, 50 रुपये खर्चो, बाकी का कोई लेने देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ठीक थे पर ये ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलाएंगे 5G, उसके बाद पबजी। तो उससे भी पहले मैं सोच रहा हूँ कि पबजी चला दे या 5G चला दे, अब हम 5G चलाएंगे तो इसको देखते हैं रिस्पॉन्स इसका कैसा रहता है। जी है, ये है हमारे पास दो तरह की, क्योंकि एक पिंक है और एक ये है, तो दोनों देखेंगे चला के कैसे लगते हैं, जहाँ मुझे लगता है दोनों सेम ही होंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा, तो दोनों चलाएंगे, ये कलर अलग अलग होंगे आई थिंक। तो चलो दोनों चला के दिखाऊंगा, तो ये चलेंगे कुछ कैसे है ये मुझे अभी पता नहीं है, इसको हम फाड़ के देखते हैं इसमें कोई सेबा सूबा है पता नहीं, इसमें टेस्टिंग करेंगे इसकी भी क्या है वैसे इसमें ना, इसमें मुझे लगता है ये एक और पटाखा है इसके अंदर, वीडियो लंबी होगी उसके लिए सॉरी, पर चला के तो देखना ही पड़ेगा ना, इसके रिस्क नहीं ले सकते, इससे हमें इसको हम जाएंगे फुल जड़ी से, तो इसको आई थिंक आग लगी, ये फटेगा नहीं, पर चलो
अब इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा है कैसा नहीं है। ये 5G पटाखे को फीता फता है नहीं तो हम इसको ऐसे आग लगे। तो ये 5G चल पड़ा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है 5G। वाओ 5G बहुत बेस्ट चल रहा है, 5G बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चला। 5G आपने चेक किया होगा, 5G बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, खूबसूरत 5G। अभी जो मैंने चलाया वो पटाखा ये वाला था 5G, जो कि काफ़ी प्यारा और काफ़ी बढ़िया चला है। ये नया मॉडल निकाला है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। ये बॉक्स आएगा इसका 150 रुपये का, ये बॉक्स है 150 का और ये काफ़ी बढ़िया है। 5G इज़ कामयाब, बढ़िया कुछ ऐसा है। यहाँ से लेके मैंने ये सारे पटाखे आपको चला के दिखा दिए। अब हम पबजी चलाएंगे। पबजी में सीन कुछ ऐसा है, इसमें कलर आते हैं काफ़ी तरह के। पबजी खुल जा सिम। पबजी कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को, ये 100 रुपये का, 150 रुपये का, 80 रुपये का मिलेगा। ये देख सकते हो ये पबजी है, ये रेड कलर का है, ठीक है। पर पबजी में काफ़ी कलर आते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया, मुझे रेड कलर लेना था। तो इसमें पबजी है जो वो येलो कलर चलेगा, येलो कलर तो फिर कॉमन सा हो जाता ना, तो रेड कलर देखते हैं कैसे चलते हैं। तो चलो अब पबजी को चलाएंगे। तो पबजी को हम चलाएंगे मोमबत्ती से या फिर चलो लाइटर से भी चल जाएगा। तो चलो अब पबजी चला के दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने पैसे खर्चने हैं इन तीनों पे पैसे बिल्कुल मत खर्चना, आपके वेस्ट हो जाएंगे। ये चलाना, ये चलाना, ये चलाना, ये चलाना, मतलब कि ये पैसे वेस्ट है तीनों के, ठीक है। मतलब कि बस चलते तो ये भी है, ये तो बिल्कुल ही धोखा दे जाता है, पर ये तो चलो चल ही जाते हैं। तो अभी पबजी तो चल गया, ये पबजी तो पबजी हमने चला दिया, इसको आग लगा दी है और ये देखते हैं कैसे चलता है। वाओ ये रेड वाला काफी अच्छा लगा ना। ये था पबजी जो कि ऊपर जाके चिरपुर करता है, जो कि काफी बढ़िया है। तो काम जावे ये भी, ये था रेड कलर का जो कि ऊपर जाके काफी बढ़िया लगा, पर ऊपर जाता हुआ दिखा नहीं कुछ भी। तो चलो अब हम 5G द्वार से चलाएंगे। तो फ्रेंड्स 5G मुझे सबसे बेस्ट लगा, तो हम 5G वापस चला रहे हैं। ये 5G के नीचे ले गया, चलो पड़ा 5G। 5G बहुत अच्छा लग रहा है, आप चेक कर देखो कितना प्यारा 5G चल रहा है। तो फ्रेंड्स 5G बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये हमने दो बार इसलिए चलाया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने सारे पटाखों का टेस्ट कर दिया है। बस सबसे बताऊँ मुझे पबजी काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। ये मैं रेड कलर में लेके आया था, पबजी येलो कलर में था, तो ये मैं रेड कलर में लेके आया था। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा 5G, काफ़ी टाइम तक चला और ये बहुत ही अच्छा चला। मतलब कि बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पबजी मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। पबजी कह दिया ये 5G गोल्ड सबसे बेस्ट लगा। मतलब कि अनार चल रहा है अभी, जो पटाखा जो अनार का निकल रहा है उससे भी फट रहा है। बाकी आपको कौन सा बेस्ट लगा मुझे जरूर बताना, मैं आपको राय देना चाहूँगा। भाई सस्ते पटाखों से दूर रहना, मतलब कि अगर आप आलू बम भी खरीद रहे हो ना, तो कोई कह रहा है कि ये 5 रुपये का दे दूँगा, वो कोई कह रहा है ये 10 रुपये का दे, 8 रुपये का दे रहा हूँ, तो क्वालिटी आपको मिलेगी। अब सपोज करो आपने सस्ता पटाखा खरीद भी लिया, तो वो 10 पटाखों में से अगर 4 पटाखे चले तो फायदा क्या। इससे अच्छा है कि आप उसको 4 पैसे लगा के बढ़िया वाला पटाखा खरीदो। गंगा जमुना खरीदना है तो 2 कंपनियों को खरीदना है जिसके ऊपर मसाइल सी बनी होगी ना, मसाइल चलने वाली, वो जो आग सी लगी हुई पुराने टाइम पे, नहीं होती सी जो मम्मी में यूज़ की, उसको पता नहीं क्या मसाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो और 5G आप ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया है छोटे बच्चों के लिए। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और इसी तरह मुझे सपोर्ट करना। मैंने सारे पटाखे दिखाए हैं, रेट टू रेट बताए हैं, तो पहले 60 और 50 वाले आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे सस्ते वाला 40 रुपये वाला है, भूल जाओ भाई, भूल जाओ, उसको बिल्कुल परचेज मत करना, वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। ये सेवकारी है, इसलिए उंगली करनी है। इसने फुल जड़ी मैं इसके लिए लेके आया था, फुल जड़ी चलाते समय भी डर रही थी। दरअसल कि मैंने बड़े पटाखे चलाए तो थोड़ा हो जाता है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी, इसके बाय बाय भी देख लो। मतलब ये सेव है बोल लिया तूने। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसी तरह मुझे सपोर्ट करना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इसी तरह सपोर्ट करते रहे, बाय।